अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ किया है। पहला लेक्चर बहुत बुनियादी, बहुत फंडामेंटल लेक्चर था। क्यों था? उसके पीछे एक मकसद था, एक रीज़न था, इसलिए महब ने बहुत फंडामेंटल्स, बहुत बुनियादी लेक्चर बनाया। और ये भी उसका एक स्मॉल छोटा सा पोर्शन रह गया। इंशाल्लाह हमारे बुक का जो फ्लो है, जो स्टार्ट है, वो शुरू होने वाला है। डियर स्टूडेंट, पहले लेक्चर में हमने सब कुछ आपको बताया कि आपने अपने पहली क्लास से लेकर और फर्स्ट ईयर तक यानी 11th तक के मैथमेटिक्स पढ़ी, उनमें वो सब कुछ थी जो कि आपके 9th और 10th और 8th 7th वगैरह में मौजूद थी। यानी बहुत सी चीज़ें सिमिलर थी, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और लॉगरिथम और मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, लेकिन एडवांस लेवल पर। कि किस क्लास तक? अप टू ग्रेड फर्स्ट ईयर। क्योंकि ये मैथमेटिक्स में भी वही सब चीज़ें होंगी, लेकिन एक अलग पोर्शन है। लेकिन इसमें एक और एक नया सब्जेक्ट आया है जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ा है, पहले लेक्चर में। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। तो आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, एंड माय चैनल नेम इज लर्निंग नॉलेज एज अ हॉबी। तो फर्स्ट चैप्टर आर फर्स्ट यूनिट टॉपिक हमारा है फंक्शंस। फंक्शंस को जर्नल जर्नल हम पढ़ते हैं। जर्नल इनको इंट्रोडक्शन करते हैं कि सोचिए, आप इस वक्त पढ़ते नहीं, लेकिन फंक्शंस क्या होता है? ईच एंड एवरी थिंग इज फंक्शन। हर एक चीज फंक्शन है। सोचिए जरा, किस तरह? आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, इट्स मीन आई एम परफॉर्मिंग सम फंक्शन। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको हम एक जनरल, एक वास्ट टर्म में बयान करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किस किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, वो क्या है? लेक्चर डिलीवरिंग। बेटा, यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर, आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर। तो इसको हम एक वास्ट टर्म में पढ़ें, हम कह सकते हैं कि आप भी कुछ फंक्शन कर रहे होते हैं, यानी आप भी कुछ फंक्शन करते हो। जर्नल बातें मैं आपको बताता हूँ। जर्नल, बिल्कुल मैथमेटिक्स को मैंने एक साइड पर रख दिया है। मैंने कहा कि आप चलो पढ़ते नहीं, लेकिन सोचिए किसी किस्म का भी काम जो भी आप कर रहे हो वो क्या है? फंक्शन है। अगर कोई खाना खा रहा है, इसका हम कह सकते हैं कोई फंक्शन कर रहा है। अगर कोई दौड़ रहा है तो फंक्शन कर रहा है। इसी तरह जब डे नाइट वगैरह आते हैं तो क्या है? इनमें कुछ काम हो रहा होता है, कोई इवेंट हो रहा होता है, तो ये क्या है? हम कह सकते हैं कि कुछ फंक्शन होता है। वी ईटिंग, गोइंग, वी आर सैड, वी आर हैप्पी। हाँ, मार्कर, थ्रू मार्कर के जरिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइटिंग करता हूँ। तो ये सब क्या है? हैप्पी राइटिंग। जिस तरह के इंग्लिश, इंग्लिश जुबान में एक लफ्ज़ है वर्ब। तो किसी भी काम करने को या किसी भी इवेंट्स के होने को हम पूरी की पूरी को इंग्लिश में क्या एक एक लफ्ज़ देते हैं। यानी जो भी काम हो रहा होता है, जो भी चीज़ हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि कुछ होता है, तो उसे हम एक लफ्ज़ से याद करते हैं, वर्ब। यानी कि काम करने को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं, फिजिक्स की स्टडी करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि मैंने बुक ली, या मैंने कार ली, मैंने गाड़ी ली, फोर्स लगाया, वेलोसिटी मालूम की, एक्सेलरेशन, हम ये नहीं कहते। हम वहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेसिफिक एक लफ्ज़। उस लफ्ज़ का क्या मतलब? हम कहते लेट्स से दिस इज़ द बॉडी। हम क्या कहते हैं? यानी हम इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको हम जब स्टडी करते हैं तो सबके सब कामों के हम एक लफ्ज़ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब फिजिक्स की जुबान आ जाती है, तो हम फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, नाउन को लेकर, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक लफ्ज़ हम कहते हैं
दिस इज अ बॉडी, लेट से दिस इज अ बॉडी, इस तरह कहते हैं फिजिक्स में ना। इसी तरह अपनी रियल जिंदगी में किसी किस्म का इवेंट हो रहा होता है तो वो क्या कहलाता है? फंक्शंस कहलाता है। सो प्लांट, ट्री, लिविंग थिंग्स ग्रोविंग, सो फंक्शंस, इंसान, जानवर, जानदार, किसी किस्म की चीज़ आप देख रहे हैं उसमें मुख्तलिफ तब्दीली आ रही है, तो वो तब्दीली क्या आ रही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि कोई हो रहा है या कुछ काम हो रहा है, तो उसे क्या है, उसका क्या मतलब हो कि फंक्शंस हो रहा है। ये फंक्शन जब स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ में जब आप होते हैं, जो स्टूडेंट, इस बात को याद रखिए, जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और जब आप पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में, तो ये बहुत दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को, मुझे पता है बहुत दिक्कत करता है कि फंक्शंस क्या है वहाँ पर, क्यों क्यों दिक्कत करता है, क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिक्स सब की सब फोकस किस चीज़ पर हो जाती है, पूरी की फोकस उनकी मैथमेटिक्स पर हो जाती है, वहाँ पर फंक्शन क्लियर नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि ईच एंड एवरीथिंग फंक्शन, जो भी इवेंट्स आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, किस किस्म का भी इवेंट, मैंने शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर लिख लिए, तो ये फंक्शन है किसी किस्म का। जब किसी किस्म के भी इवेंट फंक्शन है, तो आप लेते हैं एक सब्जेक्ट को और उस सब्जेक्ट में देखते हैं कि सब्जेक्ट में, तो इसी तरह सब्जेक्ट में फंक्शन हो रहा होगा ना, तो हम एक सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके लिहाज से फिर फंक्शन डिस्कस करेंगे, सबके सब चीज़ों को एक जानब रख देंगे, और जो हमारा टास्क होगा, हमारे पास कुछ चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, हम उसमें कुछ काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी फंक्शन होगा, तो फिर हम उसको मैथमेटिक्स की जुबान में फंक्शन लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एनी इवेंट वट एवर हैपनिंग, सो वी कैन कॉल इट बाय वन नेम इज फंक्शन। तो किसी किस्म की दिक्कत परेशानी की ज़रूरत नहीं, तो अगर आपसे कोई भी बंदा किसी किस्म, आप ट्यूशन पढ़ रहे हो किसी जगह पर, या आपको टीचर आपसे क्वेश्चंस कर ले कि आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे, फलाना स्टूडेंट्स खड़ा हो जाए, फंक्शंस क्या होता है, आपसे जनरली इस तरह होता है, अगर वो आपके मैथमेटिक्स में हो तो आप उससे आंसर, आपका क्या आंसर होगा या आपका क्या जवाब होगा कि आप किस फंक्शंस की बात करें, जनरली अगर आप कहें तो आप जनरली कह सकते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज फंक्शन। तो जब मैथमेटिक्स में चले जाएंगे तो फिर हम डाइवर्ट हो जाएंगे, वहाँ पर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फिर देखेंगे फंक्शन क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट लेकर चले जाएंगे आगे। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था कि फंक्शंस के स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, जो हमारे बुक हैं, ये हमारे बुक्स हैं, इन फर्स्ट ईयर ग्रेड 12, इसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इसमें टॉपिक हमारा था फंक्शंस एंड लिमिट, लेकिन फंक्शंस अलग चीज़ है, लिमिट्स अलग चीज़ है, हमने कहा कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ फंक्शन, तो अब हम उन सब ईच एंड एवरीथिंग्स को लेकर नहीं चलेंगे, हमने उन ईच एंड एवरीथिंग्स में एक सब्जेक्ट ले लिया है और सब्जेक्ट को लेकर हम आपको पढ़ाएंगे कि उस सब्जेक्ट में फंक्शन क्या है। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, अब हम उनमें मैथमेटिक्स में जो भी काम हो रहा होगा हम उसे क्या कहेंगे, फंक्शन। तो फिर वहाँ पर फंक्शन और भी मखसूस हो जाएगा, वहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशंस होगी कि किस हालत में मैथमेटिक्स में फंक्शन, क्या चीज़ फंक्शंस कहलाती है, और फंक्शन के साथ एक और टर्म आता है रिलेशन हो जाता है, रिलेशन बन जाता है, तो फिर रिलेशन में हम फिर मैथमेटिक्स में चले जाएंगे अदर कि रिलेशन क्या है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये पहले ही बुनियादी लेक्चर इसलिए बनाया कि आपको क्लियर हो कि फंक्शंस क्या होता है, नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस, कोई किसी किस्म के रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हाँ, कीप इन यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, व्हाट इज, मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर फंक्शंस के बारे में, बहुत बुनियादी, इसी तरह लिमिट के बारे में, जब ये चीज़ें आपके माइंड में हो, बिलीव मी किसी भी जगह पर आप चले जाए, फंक्शन पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, तो आपको किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब डिस्कशन मैंने आपसे कर ली, सपोज ये डिस्कशन मैंने आपके पास नहीं की, या ये मैंने आपको ये नहीं बताई, या अगर आपने ये तो सुन ली है ना, सुन लिए, लेकिन आपसे मैं आप एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में मैंने नहीं बताया और आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ ए फंक्शन, तो वीडियो को स्टॉप करके तो आप देखिए तब क्या जवाब देगी।
तो अब डायरेक्ट माइंड आप चले जाएगा मैथमेटिक्स की जानिब कि फंक्शन इज अ रूल आर फंक्शन इज अ करस्पॉन्डेंस आर फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। आपका माइंड वहाँ चला जाएगा क्योंकि बस आपका माइंड क्या है, बाउंडेड है, तो आपका अपना माइंड बाउंडेड नहीं रखना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखते हैं कि मैथमेटिक्स में फंक्शंस का क्या मतलब है। तो हम एक बेसिक से बुनियाद से एग्जाम्पल्स देकर आगे चलते हैं कि मैथमेटिक्स में सब के सब चीज़ें, हमने जैसा कहा कि सब के सब चीज़ें हैं, तो अब हम मैथमेटिक्स में कोई नंबर लें और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होता है, कोई भी हो रहा होता है। चलो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने कहा ईच एंड एवरीथिंग एज फंक्शन, सो वी लेफ्ट ऑल अदर थिंग एंड कम आवर टॉपिक्स। देयर विल बी फंक्शन इन एनी सब्जेक्ट, सो वी टेकिंग सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिंपल से दो तीन सिंपल से एग्जाम्पल, अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो मैंने कहा कि फंक्शन आपके जहन में फिट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा वन मैंने एक नेचुरल नंबर लिया, देखते हैं कि कैसा कोई फंक्शन हो सकता है, कोई काम हुआ हो सकता है कि वन हमें मिलता है, तो वन के साथ 0 ऐड कीजिए। हमने इस तरह के काम किया तो ये हमने एक फंक्शन किया। हमें अब हम एक दूसरा नेचुरल नंबर टू लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 1 + 1, यानी दो नेचुरल नंबर ऐड हुए और रिजल्ट में 2 आया। इसी तरह देखिए बेटा, हम देखते हैं 1 2 3। अब इसके पीछे देखते हैं कि फंक्शन ये किस किस्म के फंक्शन होंगे, यानी किस किस्म का काम होगा, इस तरह काम हुआ होगा। ये नंबर बने, ये नंबर कहाँ से बने होंगे, कहाँ से आए होंगे, ये इन छोटे छोटे नंबरों से, वन ई वन वन प्लस वन वन प्लस वन वन, बहुत से वन इकट्ठे होते चले जाए और हमें एक नंबर मिलता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये वन ये फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है, ये दो चीज हुई, ये 0 और 1 प्लस हुआ, ये काम हुआ और 1 आया तो फंक्शन हुआ, 1 और 1 प्लस हुआ यहाँ पर एक काम हुआ, यानी कोई इवेंट्स हुआ तो ये एक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक फंक्शन हुआ, काम हुआ, उस काम को हमने फंक्शन कहा, एक इवेंट हुआ तो 1 + 2 हुआ। इसी तरह बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी बातों को लेकर चले तो फंक्शन कभी भी दिक्कत नहीं करा। इसी तरह एक हमने और एग्जाम्पल ले ली, यहाँ पर हमें एक आ, 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 होल नंबर में 0 मिला, किस तरह मिला, चलो हमें 0 किन किन हालत में मिल सकता है। हमने एक छोटे से एग्जाम्पल ली, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग फंक्शन। फिर उसमें हमने एक सब्जेक्ट ले लिया मैथमेटिक्स, अब हम मैथ्स में बहुत बुनियादी क्लासेस पर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास 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 में अगर कोई भी मौजूद हो, और वहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास नंबर आ रहे होते, कहाँ से आ रहे होते, क्या होते हैं, कोई जुड़ते हैं, कोई डिवीजन होते, कुछ मल्टीप्लिकेशन होते, कुछ एडिशन होते, कुछ सब्ट्रैक्शन होते हैं, तो उनसे एक रिजल्ट आता है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब होते, वो एक काम हो रहा होता है, वो एक इवेंट हो रहा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जब हम हायर क्लासेस में चले जाते तो फिर उसमें वहाँ पर मैथमेटिक्स में वो एक कंप्लीट पोर्शन बन जाता है, एक बिल्कुल मैथमेटिक्स बन जाती है, उन सब चीज़ों से एक मैथमेटिक्स एक चीज़ बन जाती है जिसे कहते हैं फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह मैंने यहाँ पर लगा हमारे पास 2 एक रिजल्ट आए, तो हम खुद से एक फंक्शन, खुद से एक काम, खुद से एक इवेंट लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 4 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास यहाँ पर ये आया। इस तरह मैंने लिखा 36 बाई 6 = 6, मैंने लिखा 10 100 डिवाइड बाई 10, तो मेरे पास 10 रिजल्ट आया, 5 + 5 - 10 - 5 = 5। तो यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, उस काम का कोई रिजल्ट आ रहा है, ये हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो क्या है, फंक्शन है। और ये क्या है, फंक्शन की रिजल्ट है, यानी आउटपुट है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन की रिजल्ट है, ये फंक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है उसमें हमने फंक्शन कहा, ये रिजल्ट है। इसी तरह सबसे बहुत बुनियादी बातें क्लियर हो गई, इंशाल्लाह वी विल बी ट्राई टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर्स थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह, दैट विल बी आवर कमिंग लेक्चर, व्हाट इज फंक्शन इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज लिमिट्स एंड
these all things derivative integration and analytical geometry will be we start computer course. Okay.